Hey guys, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स के बारे में जो कि निकल के आई है कोबरा काई से, हाउस ऑफ द ड्रैगन से, एंड साथ ही बात करने वाले हैं कि क्या सेक्स एजुकेशन सीरीज का सीजन 4 आपको देखने को भी मिल सकता है या फिर नहीं। तो बस फिर ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक एक बार पूरा देख कर जाना। पर उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ छोटी मोटी अपडेट्स के बारे में जो कि सबसे पहले निकल के आई है जोकर मूवी से, जहां पर इस मूवी के प्री प्रोडक्शन वर्क पे काम चल रहा है। हालांकि इसकी अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, पर वो भी जल्दी हो जाएगी। एंड फिलहाल के लिए ये माना जा रहा है कि ये मूवी आपको 2022 के एंड तक देखने को मिल सकती है। और बाकी ये बात तो आप जानते ही होंगे कि यू सीजन 3 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एंड ट्रेलर मुझे वाकई पसंद आया, क्योंकि जहां पर एक तरफ जो गोल्डबर्ग है तो दूसरी तरफ जो गोल्डबर्ग इनटू 100 है। एंड देखकर लग रहा है कि इस बार इन दोनों के बीच में कुछ खतरनाक होने वाला है, पता नहीं कितने लोग निपटेंगे। और बाकी ये सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी 15 अक्टूबर को, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और कमेंट करना मत भूलना कि आप लोग इस सीरीज के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। वेल, मैं तो हूँ। और वहीं अगर बात करें कोबरा काई की, तो रिसेंटली इस सीरीज के क्रिएटर जॉन हर्विट्स ने इसके स्पिन ऑफ को लेकर कुछ हिंट दिए हैं, जिसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि वी आर बैटिंग अराउंड आइडियाज फॉर वेरियस कराटे किड एंड कोबरा काई स्पिन ऑफ, सम फर्दर अलोंग देन अदर्स, वोंट स्पॉइल एनीथिंग बियॉन्ड दैट, हैशटैग कोबरा काई। यानी कि फिलहाल इस सीरीज के क्रिएटर्स इसके स्पिन ऑफ के आइडियाज के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि किस आइडिया के ऊपर इसका स्पिन ऑफ बनना चाहिए। एंड नीचे एक फैन ने कमेंट किया है, व्हाट अबाउट मियागीडो सीरीज। एंड साथ ही जॉन हर्विट्स ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से आपको सीजन 3 में क्रीज की एक बैक स्टोरी देखने को मिली थी, तो उसी तरीके से आपको सीजन 4 में भी क्रीज की बैक स्टोरी देखने को मिलेगी। एंड यहाँ से मुझे अब डर लग रहा है इस बात का कि जिस फाइट का हम वेट कर रहे हैं वो मे भी हमको इसके सीजन 4 में देखने को ना मिले। एंड तभी इस सीरीज को इतनी जल्दी सीजन 5 के लिए रिन्यू कर दिया है, क्योंकि मे भी एंडिंग वहीं पर है। वेल, अगर बात करें गेम ऑफ थ्रोन्स के स्पिन ऑफ यानी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज के बारे में, तो हाल ही में इस सीरीज के बारे में एक अपडेट निकल के आई थी, जिसके ऊपर वीडियो पहले से ही बन चुका है, जाके देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड वो काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब देखो, आप में से काफी लोग मुझे कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि इस सीरीज का ट्रेलर हमको कब तक देखने को मिल सकता है। तो देखो, बात कुछ ऐसी है कि अभी भी इसकी शूटिंग चल रही है कॉर्नवेल इंग्लैंड में, और जब तक इसकी शूटिंग पूरी नहीं हो जाती तो तब तक इस सीरीज का ऑफिशियल ट्रेलर आना मुश्किल है। और अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इसकी शूटिंग कब खत्म होगी, तो खैर उसी के बारे में एक अपडेट निकल के आई है। तो बात कुछ ऐसी है कि प्रेजेंट टाइम में इस सीरीज की शूटिंग चल रही है कॉर्नवेल इंग्लैंड में। एंड जहां पर इसकी शूटिंग चल रही है, तो वहां के लोग हो गए हैं इनसे परेशान, क्योंकि ये फैला रहे हैं नॉइस पोल्यूशन, वो भी एक दो घंटे के लिए नहीं, बल्कि सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 10, 11, 12 बजे तक। एंड वहाँ के लोगों ने जब इनसे कम्प्लेन किया, तो इनने रिप्लाई दिया कि ये तो आपको 3 हफ्ते तक और सहना पड़ सकता है, यानी कि करीबन 1 महीने बाद वहाँ पर इस सीरीज की शूटिंग खत्म हो जाएगी। और बाकी जगह भी इस सीरीज की शूटिंग चल रही है, सो मे भी हो सकता है कि अक्टूबर या फिर नवम्बर तक इस सीरीज की शूटिंग पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाए। और बात रही ट्रेलर रिलीज डेट या फिर इसके टीजर की, तो वो मे भी आपको दिसंबर एंड तक देखने को मिल सकता है या फिर नहीं भी। एंड फ्यूचर में इसके बारे में जो भी अपडेट निकल के आएगी, टेंशन मत लो, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे अभी तक कर रहा हूँ। और वहीं अगर बात करें सेक्स एजुकेशन सीजन 4 की, तो जिस क्लिफहैंगर पे सीजन 3 एंड हुआ है, तो वहां से सीजन 4 तो बनता है, पर दिक्कत ये है कि नेटफ्लिक्स ने अभी तक इस सीरीज को सीजन 4 के लिए रिन्यू नहीं किया है। मे बी अपने टूडूम इवेंट में करे, क्योंकि लिस्ट में इस सीरीज का नाम भी शामिल है, तो हो सकता है कि इसी दिन इस सीरीज के सीजन 4 की अनाउंसमेंट की जाए। तो खैर, इसके बारे में जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।